पिछले हफ्ते नागपुर के पास खापरखेड़ा पावर स्टेशन से एक राख का तालाब फूट गया, जिससे लाखों टन राख पानी खेत में घुस गया था। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और विशेषज्ञों को डर है कि इससे हजारों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी। इसलिए सरकार से इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और दोषियों को दंडित करने और किसानों की मदद करने की मांग की जा रही है। राख में मौजूद छोटे कण मिट्टी के लिए हानिकारक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का उपयोग शून्य हो जाता है। महावितरण के ध्यान न देने की वजह से किसानों पर यह स्थिति आ गई है कि कोराडी, खापरखेड़ा, कामठी क्षेत्र की खड़ी फसल बह गई है। किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। कृषि विभाग ने प्रभावित मिट्टी के नमूने एकत्र कर जांच के लिए निरी जैसे संस्थानों को भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की दिशा तय की जाएगी। अगर किसानों के हाथ की फसल चली जाती है और जमीन बंजर हो जाती है तो भविष्य में खेती कैसे की जाए, ये सवाल भी किसानों के सामने होगा। इसलिए सरकार से इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और दोषियों को दंडित करने और किसानों की मदद करने की मांग की जा रही है। राखेचा सुद्धा एक बंधारा फुटून आपल्या शेतामध्ये राख जाणे किंवा राख मिश्रित पाणी जाणे, शेतामध्ये राखेची थर पसरणे अशा प्रकारची घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे कामठी तालुक्यामध्ये। या बाबतीत आमच्या तालुक्याचे अधिकारी, त्याच्यानंतर विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ, उपविभागीय कृषी अधिकारी यांची टीम आम्ही त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर पाठवलेली आहे। आता जिथे थर साचलेला आहे ते जमीन वाढल्यानंतर जर 2 ते 3 इंचाचा थर आहे तर तो आपल्याला काढून टाकावा लागेल। दुसरं, जिथं वाळू आपलं पाणी मिश्रित राख ते गेलेली आहे आणि त्या पाण्याचा नेमका काय त्या जमिनीवर परिणाम झाला याच्यासाठी त्या मातीचे नमुने आम्ही काढलेले आहे आणि लॅबोरेटरीला पाठवलेले आहे। परंतु फक्त त्या टेक्स्चरवर किंवा त्यामध्ये असणारे NPK जे घटक आहे किंवा मातीमध्ये जे असतात पिकांच्या दृष्टीनं तेवढ्यावरच न थांबता त्याच्यामध्ये काही रासायनिक गुणधर्मामध्ये बदल झाला आहे का किंवा धातू मिश्रित काही त्या मातीमध्ये आहे का याच्यासाठीसुद्धा आम्ही सॅम्पल काढलेले आहे आणि ते निरी किंवा इतर ज्या दुसऱ्या प्रयोगशाळा आहे तिथे पाठवून त्याच्यामध्ये काय नेमके निष्कर्ष येतात त्यावर आपल्याला पुढची उपाययोजना करता येईल। याचे पंचनामे करण्याचं काम सुरू आहे। हे जे आपले नियमित नुकसान झालेलं आहे त्याच्यासोबतच याचे सुद्धा पंचनाम्याचं काम सुरू आहे। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।